ब्यूटीफुल प्लेस है, मेरी तो बहुत फेवरेट प्लेस है ये। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि दिल्ली में इतने शोर शराबे के बीच में इतनी खूबसूरत प्लेस होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नेचर से बहुत क्लोज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं झील वगैरह, झील जैसी दिखने वाली ये यमुना रिवर कितनी खूबसूरत लगती है। और आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ से मैंने एंट्री करी है, ये एंट्री गेट है पीछे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका टाइमिंग क्या है और इसकी टिकट प्राइस क्या है और यहाँ पे क्या क्या व्यूज़ हैं देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट दिया हुआ है उस हिसाब से ये बना हुआ है, तो अभी ये सेट नहीं हुआ है, इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया है। और सेकेंड चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी और बहुत ही एक्साइटेड खूबसूरत और मुझे तो बहुत पसंद आई वो है ये नाव जैसा दिखने वाला, या कह सकते हो कैफ़े बोट, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर कैफ़े भी खुल चुका है, पहले कैफ़े नहीं था लेकिन अभी कैफ़े भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप बैठ के आप अपने स्नैक्स का, टी का और कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें पैनल्स पे लगी होंगी, आप आगे आगे देख सकते हैं। और ये जो पूरा रास्ता है रिवर के किनारे किनारे का, ये 3 किलोमीटर तक के अंदर जाता है और इसके किनारे किनारे पे एडवेंचर्स लेते हुए आप लोग अंदर जा सकते हैं। और इसके 2 रास्ते हैं, एक ये कच्चा रास्ता है, आप एडवेंचर के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और एक इसका पक्का रास्ता है उस साइड पर। और साथ ही साथ पक्के रास्ते पर आप ई रिक्शा रेंट करके उसके साथ आप मज़ा लेते हुए जा सकते हैं अंदर, और यहाँ से हम वॉक करते हुए मज़े लेते हुए अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये जो बैनर लगे पड़े हैं आगे हर एक पर्टिकुलर एरिया के बाद यहाँ बैनर लगे, जैसे इस बर्ड का है नेम वगैरह, ये सब जो जो बर्ड्स जहाँ जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा होंगी उसका वहाँ पर बैनर लगा होगा। तो आप सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी 3 किलोमीटर का रास्ता है जो हमने इंजॉय करते हुए जाना है। तो लेकिन अच्छा लग रहा है कि चिड़िया की आवाज़ आ रही है, और नेचर से क्लोज तो वैसे भी मज़ा आता है, हम घूमते हैं। बाकी चलना काफ़ी पड़ता है, और मैं सोच रही थी कि हम मैं ई रिक्शा कर लेती, लेकिन मैं इतने अच्छे व्यूज़ नहीं बना पाती ई रिक्शा करते समय, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रास्ता तो नहीं है ये, सिर्फ 3 मीटर का रास्ता है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, और बहुत जल्दी कवर हो जाता है ई रिक्शे से। लेकिन अच्छा लग रहा है, आप सुन सकते हैं आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। आज अनलकीली धूप निकल गई है, वैसे तो मानसून चल रहा है लेकिन अनलकीली धूप आ गई है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, अदरवाइज बेटर है, अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो मैंने
आप देखो, आप एक ही व्यू आया है, दूसरा जो मैंने पहला वाला दिखाया था वो पीछे था, और आगे आते आते ये दूसरा आया है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं कितना मज़ा। सो ये जो सेकंड मचान हमें दिखी है, अब इस पे चलते हैं। सो यहाँ पे लाइट थोड़ा रोशनी कम है, बट देखो वाओ, यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बस मानसून में यहाँ पे आके बनाना तो बहुत ही मज़ेदार होगा। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। जिन लोगों को नेचर से क्लोज चीज़ें अच्छी लगती हैं, या गर्मियों का मौसम है, वैसे भी ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुकून भरी होती हैं, और यहाँ पे शोर शराबा भी नहीं होता। तो जिन लोगों को शोर शराबे से दूर, नेचर से क्लोज़ पसंद है, वो यहाँ आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वीडियो बनाइए, फ़ोटो बनाइए, रील्स बनाइए, वट एवर। काफ़ी टाइम लग गया है और चलते चलते थक भी गए हैं, बस जल्दी से चाहती हूँ मैं बारिश हो जाए, ताकि ठंडा हो जाएगा मौसम, तो बॉडी रिलीफ हो जाएगी और हम लोग को चलने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते बढ़ते अभी ये आ गया है कच्चा रास्ता, और अभी भी थोड़ा दूर है जो हमारी मंजिल है, जो हमारे मचान है, जिस जहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत लगने वाला है, और वो बस ऑन द वे ही समझ लीजिए। चलते चलते 4:30 हो चुके हैं, 5:30 बजे बर्ड सेंचुरी बंद हो जाएगा, और मैं सोच रही हूँ जल्दी से हम लोग उस टावर पे पहुँच जाएँ और अच्छा सा व्यू आपको दिखाएँ, तो कोशिश जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कच्चा एरिया है, और कुछ गायें भैंसे वगैरह भी खाना अपना खा रही हैं, तो शायद ये थोड़ा ग्रामीण इलाका रहा होगा पहले, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे।
अपने पशुओं के साथ। चलते चलते थक तो मैं गई हूँ क्योंकि बारिश का थक तो मैं गई हूँ, लेकिन बारिश नहीं आई है। ऐसा लगा था कि बारिश आएगी लेकिन अभी तक नहीं आई है। बस ये है कि हवा चल रही है तो थोड़ा सुकून है। बाकी इस मानसून में यहाँ आना तो बहुत अच्छा लगता है और बारिश हो जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। फ्रेंड्स, हमने पहुंचना था वॉच टावर पे जो कि अभी क्लोज है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही न्यू डिज़ाइन में कुछ पुल वगैरह क्रिएट होगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोहे का कुछ सामान वगैरह। तो अनलकीली हम लोग मेन जगह पर नहीं पहुँच पाए जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं यहाँ पर आऊँगी और आपको उस मचान से बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगी। तो होप कि जब तक ये रास्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे लकड़ी का पुल था जो कि अभी टूट चुका है, तो इसका जो निर्माण है वो चल रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त है, निर्माणाधीन है क्योंकि आगे ना जाए। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई जगह के साथ, और उससे भी नेक्स्ट या कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे पुल का निर्माण किस तरीके से हुआ है। और ये बहुत ही न्यूली डिज़ाइन हो रहा है, तो फ्यूचर में इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं।